सलाम सत्रा काल वेलकम टू ब्रेन बाजी प्लस। अच्छा एक बात सुनिए, जैसे थ्रोबैक थर्सडे होता है, फ्लैशबैक फ्राइडे होता है, वैसे ही मंडे के साथ कोप करने के लिए चाहिए होते हैं मीम्स। सो मीम मंडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ फरजीन और वीकेंड को जाते देख मुझे ना बहुत ज्यादा सैड फील होता है, तो अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स ढूंढती हूँ। तो इसीलिए आपको बता दूँ कि मंडे आई फील इज लाइक दैट रिलेटिव जो बिन बताए रहने आ जाते हैं एंड यू हैव टू ग्रीट देम विद अ फेक स्माइल। पर ये मैं हूँ यहाँ पर आपके सामने एकदम लाइव विद माई एक्चुअल स्माइल ऑन ब्रेन बाजी प्लस, क्योंकि आपको खिलाने वाली हूँ तो ऑटोमेटिकली स्माइल आ ही जाती है। मेरा मंडे तो बन ही गया है, आपका मंडे एकदम सेट करने आ गई हूँ मैं। यहाँ पर पूछूंगी 5 सवाल एकदम सिंपल से, और क्योंकि है ब्रेन बाजी प्लस मतलब क्वेश्चंस के साथ होंगे इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स, नॉलेज के साथ साथ आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स का भी टेस्ट लूंगी मैं यहाँ पर। बिल्कुल बहुत सीरियस टेस्ट नहीं होने वाला, एकदम सिंपल सा टेस्ट होने वाला है। 3 ऑप्शंस दूंगी, 10 सेकंड्स दूंगी एंड प्राइज मनी में से आपका हिस्सा आप ही को मिलेगा। 20,000 रुपीज का शेयर फॉर यू। ऑलराइट, ऑल सेट। ऑल्सो ऑब्जर्वेशन स्किल्स की बात हो रही है तो बताइए कल नायक सवाल कौन सा होता है, मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कल नायक सवाल, जिसका जब आपने दे दिया सही जवाब बिना लाइफ यूज किए तो आपको मिलती है 1 एक्स्ट्रा लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोलबाजी में भी यूज कर सकते हैं आप इस एक्स्ट्रा लाइफ को। गेम में जब कठिन क्वेश्चन पर फंस जाते हैं, जवाब नहीं पता, गलत जवाब दे दिया, लाइफ ऑटोमेटिकली एक यूज हो जाती है और आप वापस गेम में आ जाते हैं। अभी शुरू करते हैं ये वाला एडिशन ऑफ ब्रेन बाजी प्लस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लोज टू 15,000 पीपल और आप सबके लिए पहला सवाल एकदम तैयार है। पहले सवाल के लिए एक और चीज तैयार है, आप जानते हैं क्योंकि ब्रेन बाजी प्लस है बॉस। शुरू करें फिर, ऑल सेट। उससे पहले सुनो ना, देखो और जीतो। बहुत ही थ्रोबैक थर्सडे पिक्चर ऑन अ मेमोरेबल मंडे। नहीं याद है जब फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में या म्यूजिक चैनल्स में ऐसे सवाल होते थे स्क्रीन पर, आज यहाँ पूछ लिया। इट्स ओनली फेयर क्योंकि यहाँ मैं आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को भी तो टेस्ट करूंगी। क्वेश्चन ये रहा, इस फोटो में इनमें से कौन सी सेलिब्रिटी नहीं है, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या फिर कटरीना कैफ। ऑप्शंस में एक चीज कॉमन है, आप समझ गए होंगे, रणबीर कपूर। अरे अरे अरे, एक मिनट, व्हाट आर यू थिंकिंग? आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि रणबीर सीक्रेटली फॉलोज ऑल 3 ऑन सोशल मीडिया, ऐसा उन्होंने बोला अभी इंटरव्यू में। अच्छा, आलिया की न्यू फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र, बहुत ही ग्रैंड होने वाली है। कटरीना की भारत एंड दीपिका की लक्ष्मी अग्रवाल की लाइफ पर बेस्ड बायोपिक छपैक। जिन दोनों की फोटो है वो रियल लाइफ BFFs नहीं है, पर आंसर है आलिया भट्ट। इस पिक्चर में डिंपल्स एंड स्माइल बिलोंग टू दीपिका एंड आईज एंड हेयर वर कटरीना कैफ। सही जवाब दिया 7,000 से ज्यादा लोगों ने, क्या बात है, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अभी आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस एडिशन ऑफ ब्रेन बाजी प्लस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोर देन 15,000 पीपल, वेलकम वेलकम। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सुनो ना, देखो सुनो और जीतो। 4, 3, 2, 1, 0। इस समय रॉकेट प्रज्वलित हो गया है और अपने गंतव्य की ओर धीमे धीमे उठ रहा है। जिस जगह से ये रेडार इमेजिंग सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च किया गया वो डैश के नाम पर है, विक्रम साराभाई, सतीश धवन या फिर APJ अब्दुल कलाम। इसरो इज गेयरिंग अप फॉर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 और एक एक्सपेक्टेड मून लैंडिंग ऑन September 6, 2019। इज इट अमेजिंग? इस सैटेलाइट का नाम है RISAT-2B और इसके बारे में एक यूनिक चीज क्या है मैं बताऊं, ये हर वेदर को हैंडल कर पाएगा, लाइक रेन, फॉग, स्मॉग और हैवी क्लाउड कवर, व्हिच प्रीवियस इंडियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स कुड नॉट। जवाब है सतीश धवन। ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था ऑन May 22nd फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे वैसे SDSC भी बोला जाता है नेचुरली। सही जवाब दिया 6,000 से ज्यादा लोगों ने, कहा सतीश धवन। थोड़े से लोग कंफ्यूज हो गए, अब्दुल कलाम भी कहा है कई सारे लोगों ने, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3 और इस सवाल के लिए आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ, देखो और जीतो। ये वो हैं जिनके टाइम पर अगर मैं होती तो हम बेस्ट फ्रेंड्स होते, ऐसा क्यों मैं बाद में बताऊंगी। 1970 में इनके चांद पर इनका नाम जो है वो चांद के क्रेटर का नाम भी रखा गया था। सवाल जो है वो ये रहा, इनके बारे में कौन सा फैक्ट सच नहीं है, बॉर्न इन ईरान, ऑल्सो अ मैथमेटिशियन या फिर डिस्कवर्ड सैटर्न्स रिंग।
ये एक बहुत ही फेमस पोएट एंड एस्ट्रोलॉजर हैं. ही इज बेस्ट नोन इन द वेस्ट फॉर द पोम रुबायत ऑफ उमर खयम. इसको ट्रांसलेट किया था फेमस इंग्लिश पोएट एडवर्ड फिट्ज़जेरल्ड ने. खयम मेरे दोस्त होते क्योंकि आई हैव ऑलवेज नीडेड हेल्प विद नंबर्स एंड ही वाज अ ब्रिलियंट मैथमेटिशियन हु वाज बोर्न इन ईरान. सो डिस्कवर्ड सैटर्न्स रिंग है सही जवाब. जैसे उस समय के मैथमेटिशियंस अक्सर हुआ करते थे, खयम भी एक एस्ट्रोलॉजर थे एंड अ वेरी सक्सेसफुल वन एट दैट. मगर उन्होंने सैटर्न की रिंग्स डिस्कवर नहीं की थी. दैट वाज गैलीलियो गैलीली. सही जवाब दिया है 5000 से ज्यादा लोगों ने. नॉट बैड. और ये जो अगला वाला सवाल है वो है कल नायक सवाल. ओपन टू ऑल क्वेश्चन है. आपको इसका सही जवाब देना है बिना लाइफ यूज किए, तो आपको मिलेगी एक एक्स्ट्रा लाइफ. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखो और जीतो. जैसा कि फोटो देख के आप समझ ही गए हैं, ये तीनों भाई तो नहीं है क्योंकि इतना अलग सिबलिंग्स कैसे दिखेंगे यार. I'm just kidding. आपको बताना है, सवाल ये रहा, इन तीनों इमेजेस को कौन सी कंपनी जोड़ती है? Apple Incorporation, Google या फिर Twitter? अच्छा एक बात बताऊं, Google हो सकता है जवाब? नहीं कि Google में आपको तीनों की इमेजेस मिल जाएंगी तो जोड़ नहीं. ओके इनफ विद द सैड जोक्स. ऊपर वाली इमेज थी आइजैक न्यूटन की एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट इनका और मेरा फेवरेट कलर सेम है, वायलेट एज इन पर्पल. जो दूसरी इमेज थी वो माइकल फैसबेंडर, मैग्नीटो फ्रॉम द एक्समैन फेम, एब्सोल्यूट फेवरेट अगेन. थर्ड थे स्टीव वॉज़नियाक. जवाब आ गया है मेरे पास एंड एप्पल इनकॉर्पोरेशन है सही जवाब. आइजैक न्यूटन जिन्होंने एप्पल से ग्रेविटी डिस्कवर किया, माइकल फैसबेंडर जो बने थे स्टीव जॉब्स इन द बायोपिक अबाउट स्टीव जॉब्स, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एप्पल, एंड स्टीव वॉज़नियाक इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एप्पल. समझे सही जवाब दिया है. 8000 से ज्यादा लोगों ने कमा चुके हैं एक एक्स्ट्रा लाइफ. और अभी आगे बढ़ रहे हैं हम टुवर्ड्स द फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस एडिशन ऑफ ब्रेनबाजी प्लस. देखो सुनो और जीतो. पर इस सवाल के लिए सुनो और जीतो. मैक्सिमम सिटी को मैक्सिमम करने का प्रयास हमने किया. यहाँ पर मेट्रो का नेटवर्क हो, यहाँ पर कोस्टल रोड हो, यहाँ पर ट्रांस हार्बर लिंक हो, यहाँ का न्यू एयरपोर्ट हो. ये व्यक्ति डैश के बाद अपने स्टेट से सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने. आपके ऑप्शंस हैं देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार या फिर विलास राव देशमुख. जैसा कि आप जानते हैं तीनों ही ऑप्शंस को जोड़ता है द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. देशमुख सर्व टू टर्म्स एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. देवेंद्र फडणवीस एज यू मस्ट नो करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है. और इन्हीं की आवाज जवाब वो नहीं है, शरद पवार इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. 44 years की एज में फडणवीस बिकेम द सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर शरद पवार हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर एट द एज ऑफ 38. सही जवाब दिया है 1662 लोगों ने. ओ माय गॉड, 1400 से भी ज्यादा लोगों की हो गई है लाइफ यूज. 3078 लोग बन गए हैं आज के इस एडिशन के विनर्स. कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबके लिए. सेलिब्रेशंस तो बनती है बॉस. Congratulations to all the winners. So proud of you. मतलब बहुत बढ़िया. मैंने कहा था लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था. चलिए बता देती हूँ कौन कौन जीत गए हैं. टी. Congratulations अरमान, मिहिर, रवि, शेखर, राहुल, राज, रमेश, नरेश, सिंह. Wow. Nice name. अभी, धनी, अब्दुल, आदित्य, बहुत लंबी लिस्ट है. पप्पू आज भी जीत गए हैं. Congratulations. नेक्स्ट गेम खेल लीजिए जरा. 3 बजे खेलिए पोल बाजी मिनी ऑन द बाजी नाउ ऐप. 4:30 बजे खेलिए बिंगो बाजी. 8:30 बजे द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी, द इजीएस्ट क्विज टू विन. सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर. 9 बजे खेलिए पोल बाजी. ऐसे खेलते रहिए, जीतते रहिए एंड हैव एन ऑसम ब्लॉसम डे.